साथ मैं हूँ मुस्कान अग्रवाल। जैसा कि अभी सब जानते हैं कि 31 तारीख को हम पूरा भारत देश दीपावली का त्यौहार मनाना जा रहे हैं। आपको पता है कि दीपावली दीपों का त्यौहार, जब भगवान श्री राम वनवास 14 वर्ष का वनवास पूरा कर वापस अयोध्या आए थे तो पूरे अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित कर उनका स्वागत किया था। दीपावली दीपों का त्यौहार है, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आता जा रहा है, दीपों की जो ट्रेडिशनल वैल्यू है वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज हम आए हैं भोपाल में, जहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो एक्चुअल दिए होते हैं, जो मिट्टी के दिए होते हैं, वो कैसे बनते हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि तैयारियाँ कैसे चल रही है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए, अलग अलग डिज़ाइंस के साथ, अलग अलग शेप साइज़ में ये अवेलेबल हैं। छोटे दिए हैं, बड़े दिए हैं, ये मिट्टी के सारे दिए हैं। और इस वक्त हमारे साथ कई कस्टमर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, हमारे पीछे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अपनी दीपावली की शॉपिंग कर रहे हैं। तो आइए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। हेलो सर। हेलो, आपका नाम क्या होगा? अजय बमनेवाल। सर, तो आपकी दिवाली की शॉपिंग किस तरह चल रही है? दीपावली की शॉपिंग पर शुरू हो गई है, यही मेन चीज़ तो दिवाली के दिए हैं और गणेश लक्ष्मी हैं और कुछ शो के सामान है, उसी की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। पूजा का सामान है, वो आते जाने आने वाले दिनों में 2-3 दिन में सब खरीदारी होगी। सर, जैसे कि मेन जो दीपावली होती है वो तो दीपों का त्यौहार होती है, लेकिन जैसे मॉडर्न जमाना आता जा रहा है, लाइट्स, लैम्प्स, एलईडी लाइट्स की तरफ दुनिया आकर्षित होती जा रही, तो उस पर आपका कुछ कहना है? नहीं, उस पर मेरा कहना ये है कि जो दीपों का त्यौहार है वो दीप से ही मनाया जाए, और ये सभी लोग जो हैं ये एक तरीके से इनका लघु उद्योग है, तो इस पर हमको सपोर्ट इनको देना। अगर हम ये लेकर एलईडी लाइट और ये सब लगाएंगे, फैंसी लाइट है, तो फिर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और मेनली ये डिपेंड करते हैं फेस्टिवल पे ही, और फेस्टिवल इनको साल भर में एक मेन फेस्टिवल यही आता है, तो इसमें हमको सपोर्ट करना चाहिए। अपनी जो हमारी ओरिजिनलिटी है हमें वो भी मेंटेन करना है। फैंसी चीज़ को अलग है, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आ गया है, उसके हिसाब से हमको चलना है, लेकिन इसको भूलना नहीं है, इसको फॉलो करना है। सर, जो यंग जनरेशन जो देख रही है हमारे चैनल को, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आप जो समय चेंज हो रहा है, आप बिल्कुल चेंज होइए, डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूरी है, लेकिन जो आपकी विरासत है, जो आपका कल्चर है, संस्कृति है, आप उसको मत भूलिए, उसको फॉलो कीजिए, और फेस्टिवल्स पे खासतौर से उसको फॉलो कीजिए, पर्टिकुलरली उन चीज़ों पे जो चीज़ें टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स पे आती हैं और जिस पे कुछ लोग जनरेट, मतलब उनको उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है, आप उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ बेस करेंगे, वो नहीं वहाँ उस पोजीशन पे जा सकते जिस पोजीशन पे आप, दूसरा व्यक्ति चला गया है, शोरूम कल्चर चला गया, आप इसको भी सपोर्ट कीजिए और फेस्टिवल बनाइए और एंजॉय भी कीजिए। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दीपावली की दीपों की खरीदारी के लिए यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे आप कैमरा मैन यहाँ पे दिखाइए कि कैसे मूर्तियाँ हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं, मटकियाँ हैं और छोटे छोटे तुलसी के पॉट्स हैं जो कि आप अपने दीपावली के डेकोरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बन रही हैं, ये अभी बनी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की मूर्तियां हैं दीप रखने के लिए, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे पेंट का काम अभी इनके बीच में जारी है। दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों से हैं, इस बीच आइए बात करते हैं कुछ खरीदारों से कि उनकी दिवाली की शॉपिंग कैसे चल रही है। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित त्रिपाठी है और मैं कोलार रोड भोपाल का रहने वाला हूँ, और मैं कई सालों से अम्मा की दुकान से ही दिवाली की शॉपिंग करता हूँ। और हमारे यहाँ चूंकि मैं बिहार बेस का हूँ, तो हमारे यहाँ छठ पर्व बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है, और छठ में लगने वाले जितने भी मिट्टी के घड़े और कलश का हम लोग उपयोग करते हैं, सब यही जो दुकानों में निर्मित वस्तुएं हैं उन्हीं से हम उपयोग करते हैं, जिससे हमारा, हम ये मानते हैं कि बहुत पवित्र चीज़ें होती हैं जो मिट्टी से बनी घड़े और कलश होते हैं, बहुत पवित्र होता है और जिससे हमारे पूजा की शुद्धता बरकरार रहती है, और हमें बड़ी खुशी होती है इन बर्तनों का यूज़ करके। सर, आजकल हर चीज़ घर पे 5 मिनट में डिलीवर हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, उस बीच में ऐसे आकर धूप में आके खुद शॉपिंग करना, इसके लिए आपको कुछ बोलना है? देखिए मैडम, हम सब ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन फिर ऑनलाइन लेंगे तो इन दुकानदारों का कैसे काम चलेगा? ऑनलाइन तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ आते हैं, देखते हैं, हमारी पसंद से कुछ चीज़ें हैं जो पुराने हमने अपने पिताजी से सीखा और उनके साथ आए, हमने शॉपिंग करी दिवाली का, तो फिर उसका मज़ा ही नहीं रह जाएगा। घर में बैठे बैठे सारी चीज़ें लेंगे तो दिवाली का क्या मज़ा मिलेगा? आजकल ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं, ये लाइट्स और लैम्प्स और लालटेन जो चाइनीज़ मटेरियल आता है, इस पे चले गए लोग, दीपों को कम महत्व देने लगे, तो उसके लिए आपको कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
हम आज के सभी युवा वर्ग से ये हमारा निवेदन रहेगा कि आप अब देखिए लाइट अच्छा करना अच्छा लगाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हम हमारी जो सनातन परंपरा है हम उसको बिल्कुल नहीं भूलें। इन दीप का एक अलग महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए दीप का यूज़ करने के कारण हम इस पर्व को दीपावली बोलते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कम से कम 100-150 दीप तो ज़रूर आप अपने घरों में जलाएँ, लाइट लगाएं, लेकिन इन दीपों को नहीं भूलें आप, जिससे कि आगे की पीढ़ी भी इन दीपों को याद करे और इसका उपयोग करता रहे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से दीपावली की दीपों की तैयारियां शुरू हैं, तो हमारे साथ यहां पे दुकानदार मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी दीपावली की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। सर आपका नाम? विष्णु प्रजापति। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दीपावली आ रही है, सबके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, आपके लिए कितना बड़ा फेस्टिवल? सभी के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल मूर्तियाँ, गणेश जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, ये क्या दिए मियों का पूरा बड़ा उत्सव है। इसकी बड़े तैयारी करते बड़े दिनों से, तब जाके आप पूर्ण, तब सभी से उम्मीद है कि आए दिवाली के दिए लेके आए, लक्ष्मी जी ले जाए। जैसे 31 को इस बार दिवाली पड़ रही है, तो आप लोग कितने पहले से ये तैयारियाँ शुरू कर देते हैं? 4 महीने पहले से। 4 महीने पहले से? और दुकान वगैरह लगाना? कम से 1 हफ्ते पहले से। 1 हफ्ते मतलब 4 महीने पहले की तैयारियाँ, फिर 1 महीने दुकान लगती है, तब जाके पूरी दुकान सज पाती है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे पहले के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा दिए खरीदते, मूर्तियां खरीदते थे, अब वो शिफ्ट हो गया है एलईडी लाइट्स की तरफ, इलेक्ट्रिक की तरफ, तो उससे क्या नुकसान और फायदा, क्या डिफरेंस आया है? ऐसा कुछ नहीं, लोग दिए आज भी पूरे खरीद रहे हैं, जितने और ज्यादा लोगों का कॉम्पिटिशन बढ़ता है और ज्यादा दिए ले रहे हैं, पहले 20-25 लेते, अब तो 100-100 दिए ले जा रहा है। एलईडी लाइट अपनी जगह ठीक है, दिए भी रोशन कर रहे हैं लोग, सबसे दिए ही बिक रहा है। जो ये सब आपने लगा रखा है, अब तक कितनी कैसी क्या शॉपिंग हो रही है, लोग कैसे ले रहे हैं? ऐसे ही ले रहा है, जब 100 लेते थे तो वहाँ 25 दिए ले रहा बस। अब कम हो गई है पहले के मुताबिक? वही लाइट हो गई है, मोमबत्ती चल गई है। तो आप कह रहे हो कि क्योंकि अब ये जो मॉडर्न जमाना आ रहा है, लोग दीप अब कम खरीदने लगते हैं। और अम्मा जो लोग आते हैं, जो थोड़े बहुत भी लोग आ रहे हैं, वो बहुत मोल भाव करते हैं, उस ज़्यादा बहुत मोल भाव करते हैं, क्या है मिट्टी तो है। तो जैसे कि हमने बात की है यहाँ पे दुकानदारों से और जाना है कि इस बार दीपावली की क्या कुछ तैयारियाँ उनकी चल रही हैं, हमने आपको ये भी दिखाया कि पहले के वक्त से लेकर अब के वक्त में क्या कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त पूरी ये जो लाइन है ये पूरी शॉपिंग के लिए रेडी है, आप आइए दीप खरीदिए। और दीपावली की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से शुरू हैं। आपसे गुजारिश करते हैं जो मूर्तिकार इतनी मेहनत से ये दिए बना रहे हैं, आइए उन्हें खरीदिए और अपनी दीपावली रंगीन कीजिए। हमारे साथ देखते रहिए नेशन मिरर, मैं हूँ मुस्कान अग्रवाल, कैमरामैन गौरव के साथ।